बन गई
तेरे चांदी रात बन गई। Yeah.
सह नो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीत्वमस्तु मा विद्विषावहै कर्पूरप्रज्वालितं समर्पयामि। ॐ भूपति भीतर हरि ओं येन बन्धोद्बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रति वन्दनानि रक्षति माचलमाचलः मङ्गलपूजास्थानं मानोर्गसुखसम्पदं मम शत्रुविनाशाय जीवज्योतिभ्यो नमो नमः। ॐ भूरभुवस्वः हरि ओं भूरभुवस्वः बोलो गगन के देवता भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो धरती मैया की जय। नमः पार्वती बताए हरे हर महादेव हरे। Thank you.
तुम्हारा कवारा रह जाता, लड़का तुम्हारा
देंगे, तुमको भी ले जाएंगे। Oh,
सजनी तुझको देख के कितने कवारे मर गए रे, कितने कवारे मर गए रे। सजनी तुझको देख के कितने कवारे मर गए रे, कितने कवारे मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। दिल की चिट्ठी रोके तेरा दामन, मेहंदी हल्दी बिंदिया का चल बदले तेरा जीवन। हाथों में माला को लेकर ये दोनों दंपति खड़े हैं प्रिय श्रोताओं, और विशेष रूप से संगीत में गाई जाती है आज जैसे जैसे सीता स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप को कन्या रानी है। माला रघुवर मन ही मन ही मुस्कुराए, जय माला को नमस्कार कर लो अपनी बहुत देरी सब कुछ बैठा। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। खूबसूरत सा एक पल कैसा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। पूज्य पंडित परम पूज्य अति आदरणीय पंडित कृष्णियो, इनवाइटेड गेस्ट्स, लेडीज, जेंटलमैन एंड बिलेवर्ड चिल्ड्रन, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बिसुनलाल फॉर्मली लकेना नंबर 2 हिल नसोरी फिजी, एंड विजेंद्र प्रवीण लाल एंड शेली शर्मिला ऑफ हैमिल्टन न्यूजीलैंड, आई वेलकम यू ऑल टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ निकिता एंड अवनीत अकॉर्डिंग टू अवर सनातन कल्चर। समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। बताओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको दुनिया की लकीरों से। चले देवियों सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज रात्रि का जो विवाह संस्कार है उसको हम लेकर आगे बढ़े। हरि ओम। आ पावित्र पावित्र वा सर्वोवस्थान गतोडपिवा या समृद पुंडरीकांक्षो सहापि ब्रह्मा भयंकर शुचि मंगल। और भगवती जगदम्बा को नमस्कार करके आज कन्या की माता कन्या रानी को वही ज्ञान दे रही है प्रिय श्रोताओं जो माता मैना ने भगवती पार्वती को दिया था, और विवाह संस्कार के बाद में मैया पार्वती वही ज्ञान को लेकर भगवान शिवा जी के द्वारे पर पहुंची थी। हरिओ। या वीणा वरदंड मंडिता करा, या श्वेत पद्मासनम पूजा स्थान पुष्पम समरे पयामहि, ओम श्री गणपति देवताय भ्यो नमो नमः। और बड़े पेट वाले भगवान गणेश जी का धन्यवाद करो कि बाबा आज चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष के द्वादश तिथियों में तुम्हारा विशेष रूप से विवाह संस्कार संपन्न हो रहा है, देवताओं से आशीर्वाद करने की मांग करो। हरि ओम। विनायकं महत पुण्यं सर्वदेवानां नमसे कृतं, सर्वो विघ्नहंतरं श्री गौरीपुत्र मावायहनम, ओम समुदिते ग्रंथिक विलोगतिकरणकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्नशो विनायक, गणपति देवताय नमः, कलश को प्रणाम कर लो। ओम तत्साय मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समानसितम, मूलिकस्य इसको ब्रह्मा मध्य मातृकं समृता कुच्छे दो सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा, हे कृष्ण कमलापति यदूपति श्रीपति वैकुंठयाधिपति लक्ष्मीपति चराचरपति पाहि मामे, ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेशवरीं हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधये, ओम लक्ष्मीनारायणाय
नमः नमसे करो मही मंगल पूजा स्थान कन्यादाने गौदानम अहम करिष्यहे। हरि ओम पूजा स्थाने कन्यादान महादाने गौदानम अहम करिष्यहे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो जानत सूत्रादे वायुश्चा प्राणिश्चा मुखादग्नि रजायतः ब्रह्मणोऽस्या मुखमासीत् बाहुराजन्यासितः पूर्वतदस्याजितवयस्या पद्या भूसूत्रो अजायतः जयर्पणं समर्पयामहे गिरिजे पाणिगिरौ। ओ हरि ओं तत्सत् विष्णो हरि ओं तत्सत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णुरे परिब्रह्मणी प्रहरादे श्री सभी द्वारा कल्पे वयस्कमणवंतरे अश्विनाशतीतमे कलियुगे कविप्रतम चरणे आनवृत्त्यंतर्गते भूलोके न्यूजलंदीपे विमंडन उपनगरे अमुकमंडल ग्रामस्य अमुकमंडल ग्राम ग्रामस्य केतोभय नामस्य ग्रामस्य एवं मंगल ग्रह स्वामी श्रीमाने प्रवीणलाल नामस्य ग्रह स्वामी श्रीमती नामस्य एवं मंगले कन्या माता विदा नामस्य कन्या नामस्य कुमारी निकितालाल नामस्य विवाह संस्कार गौदाने अन्नदान धनदान वस्त्रदाने एवं मंगले पादुका दानम अहम करिष्यहे। अमुकमाशोक्तमाशानां चैत्रमाशानां शुक्लपक्षे द्वादशदोहितवे गं गणपते जो नमो नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धिशर्वाः स्वस्ति न भूभा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिशनीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा यद्या भद्रं तन्मयासुवा ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्या कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। कुंवर अभिनीतः निकिता के माता पिता ने ऐसा विचार विमर्श किया है कि वो अपनी कन्या निकिता का जो हाथ है तुम्हारे हाथों में देना चाहते हैं। अगर तुमको निकिता का हाथ स्वीकार है तो अपन हाथ आगे बढ़ाओ, अगर नहीं स्वीकार है तो कोई बात नहीं। और चले कन्या के माता पिता निकिता का हाथ है ठाकुर के हाथों में देने का ठाकुर के हाथों में देने का प्रयास करें। हरि ओम आमिषेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम् अत्यंशम् हिरण्यगेन सविता रथेन देवो जाति गुणानि पश्यन्नः। हरि ओम पूजा स्थाने चरण पादुका स्नानं समर्पयामहि ओम गंगोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अष्टमित्र मंगल पूजा स्थान टीका ओम मंगल पूजा स्थान टीका अर्पणम समर्पयामहि गंगोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अष्टमित्र मंगल पूजा स्थाने गंगा गंतम पादुका स्नान समर्पयामि हाथों का स्नाने अस्तम प्रत्यक्षान गुरुहिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वगिरेतयासित सधाधरा पृथ्वी जामुदान तस्मै विधिना अवीतः। आज ही राजा विशेष रूप से निकिता और अमृत जी को आशीर्वाद से सजावे कि पितरों का आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद है, मरते दम तक साथ में रहता है। ओम हिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वगिरेतयासित सधाधरा पृथ्वी व्यामुके माने कस्मै विधेमः दूतः। अब निकिता के दादा और दादी श्रीमान और श्रीमती नवीन और रेशमी लाल है, जिनका बड़ा ही सौभाग्य है आज कि वो भी अपने हाथों से कन्यादान का जो महासंकल्प है वो करने का प्रयास करे। मंगल पूजा स्थाने कन्यादान गौदानम अहम करिष्यहे। ओम अपवित्रे पवित्रवा सर्ववस्थान गतोऽर्हि वा या समरेति पुण्डरीकांशो सा ब्रह्मा भयंकरे शुचिः। ओम यत्कामते सर्वश्रेष्ठं कुमुक्तानुमलात् मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणे प्रसीदे परमेश्वरः।
आशीर्वाद ओम आशीन रक्षा वर्तमान निवेशयन अमृतम मर्त्यंचा दादा दादी कन्या रानी को मिलने का प्रयास करें विंडो प्रिंट कर दो तुम बैठ जाइए ओम आशीन रक्षा वर्तमान निवेशयन अमृतम मर्त्यंचा देवो जाति गुणानी पश्यन्ना। और अब समय हुआ पटन स्ट्रीट कोटा हुहु ओकलैंड से आए हुए निकिता के काका श्रीमान और श्रीमती संजय लाल जी, जो आज अपने जीवन में से अपना कीमती समय को निकाल कर हमें चलाए हैं, संजय इसके लिए धन्यवाद। ओम पूजा स्थाने ईकार्पणम हम करिष्ये ओम या तंदे दिशानहावला या शुद्रा कंदता या दीनावलंदमंडिता करा या श्वेतो परिमासन ओम हिरण्यगर्भः समवर्तता देवभूतस्या जाटः प्रकीर्तया सित तथा धरा पृथिवी या मूर्तिमान् तस्मै धीमा हमीतः। आशीर्वाद काका और काकी खड़े होकर बटिया रानी को विशेष रूप से आशीर्वाद सजाओ कि चाहूनी चाहूं इनका यश इनकी कामना और इनकी जो कीर्ति है उसका गुणगान लोग अकस्मात रूप से करें। ओम यश कामना पूर्ति हवे सबरा धन लक्ष्मी कीर्ति माने चलायमान मंगल प्राप्ति महम करिष्ये। चले अब समय हुआ निकिता की पर नानी, वो भी आज अपने जीवन में से अपना समय निकालकर हमारे साथ में सहयोग प्रदान करा रही है, तो नानी जी को भी धन्यवाद है। आशीर्वाद की का ओम सिंदूरम मरुदा भाषणम जवाहर तुम सभी भवम पूरी दासी मया देव प्रसीदे परमेश्वरी आशीर्वाद शास्त्रों में बताया गया है कि नाना नानी के आशीर्वाद सबसे रस्ती लगे हैं नाती उनके ऊपर है कि जो नरमी खावत है मूढ़ा पूज सहित जो नरमी खावत है मूढ़ा पूज सहित सोनर वैकुंठ जावत है नाती और पूज के साथ है। ओम आशीर्वादम समर्पयामि यश कामना पूर्ति भव सर्वदा धन लक्ष्मी कीर्ति माने चलायमान मंगल प्राप्ति महम करिष्ये। चले खुशी के अवसर पर निकिता के एक और नानी विशेष रूप से सहयोग प्रदान करा रही है, हरी सती चले निकिता जी सगी नानी आज एबोंडे ओकलैंड से हेंडरसन ओकलैंड से हमारे साथ में आए हैं, तो नानी जी को मैं विशेष धन्यवाद दे है। हरि ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्या जातः प्रतिरेकयासित सधा धरा पृथवीन्द्या मुद्यमाने तस्मै विधेम हरितः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायतः। आशीर्वाद ढेर सारा आशीर्वाद नानी दोनों दंपति को देने का प्रयास करें, या आप तो कहीं पर भी हो रहो भैया खुशी करें। ओम यश कामना पूर्ति भव सर्वदा ओम यश कामना पूर्ति भव सर्वदा धन लक्ष्मी कीर्ति माने चलायमान मंगल प्राप्ति महम करिष्ये। ओम चले काका और काकी ओम भूरे भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काका और काकी भी खुशी के अवसर पर कन्यादान का जो महान संकल्प है उसको ग्रहण करें। ओम प्रभोक्त गुण गुण विशेषायाम प्रभोक्त गुण गुण विशेषायाम अमुकेतम अमुडामस्य अमुकडामस्य ग्रह स्वामी श्रीमान ग्रह स्वामी श्रीमती कन्यादान महादाने गौदानं महम करिष्ये। आशीर्वाद यश कामना पूर्ति भव सर्वदा धन लक्ष्मी की प्राप्ति महम
करी शहे आशीर्वाद ले लो और दोनों को मिल लो। ओम ब्रह्मणो श्याम कुमारस्य बाहु राजन्याधिकः ऊरु तदस्य आजिर्वैश्यामभ्या दुशूद्रो अजायतः। चले निकिता की एक मूड बोली हुआ Thank you.
धीमहि तन्नो श्री अग्नि प्रचोदयात् नमः। बोलो यज्ञ नारायण देव की जय। वक्रतुंड महाकाय कोट सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। ओम गणपति देवताय भ्यो नमः स्वाहा। तद्वर्षाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् भ्यो नमः स्वाहा। शिवशंकर मीशानां द्वादशाद्रतलोचनम् उमा सहितं श्री शिवाय भ्यो नमः स्वाहा। ओम अवस्परन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्य ते नश्यन्तु शिवाग्रयः। ओम श्री शिवाय भ्यो नमः स्वाहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थं सार्थिके शरणै त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगल महागौरी मातृकाय भ्यो नमः स्वाहा। अखंड मंगलाकारणं व्यापतेन चराचरं तदोपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेवताय भ्यो नमः स्वाहा। देवताय भ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम भूरे भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातः। मंगलयाहुतीर्पणं समर्पयामि। हाथों को एकत्र करके भगवान को नमस्कार करो कि दादा आपने हमारे हाथों से आहुति को स्वीकार किया, उसके लिए चरणों में कोटि धन्यवाद दिया। महाबीजाय विद्महे अग्निदेवताय धीमहि तन्नो श्री अग्नि प्रचोदयात् नमः। बोलो यज्ञ नारायण देव की जय। ओम इमं नार प्रवतो लाजानाव पंडिता आयुष्मानस्तो मे पतिरे दंत ज्ञातहो मम स्वाहा। इदं मगणै इदं ममः तीसरा। ओम इमं लाजानाव पापग्नो समृद्धि एकरणं मम तुभ्यं च सावनानन अगिंपयं गुं स्वाहा। इदं मगणै इदं ममः। चलो दूल्हे राजा कन्या का हाथ पकड़ लो और जो प्रथम भावर है उसको तुम समाप्त करने का प्रयास करो और देखिए कि आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां हमको चंपा ललिता बिमला उर्वशी मेनका आदि अप्सराएं आकाश मार्ग से क्या करे क्या हमको सुना रही है। बेटी बाबा यो बाबा बोलावे तो बाबा नहीं बोले हो। बेटी बाबा यो बाबा बोलावे तो बाबा नहीं बोले हो। बाबा नहीं बोले तो बाबा नहीं बोले हो। बाबा पहले भवरिया मैं गो में तो या वही तुम्हारी बेटी। बाबा पहले भवरिया मैं घूमा तो या वही तुम्हारी बेटी। चले दूसरा भावरे लाजा हो मैं। ओम आरमणम देवः कन्या गुं अग्नि मै श्रतम सानो आरमणा देवः प्रेत्यो मुंच मापतय स्वाहा। आगे में मांगे गिरे। ओम इदम आरमणे इदम ममः दूसरा। ओम इमं नार प्रवतो लाजा नाव बंदिका आयुष्मानस्तो मे पतिरे धन्त ज्ञातहो मम स्वाहा। इदम मगणे इदम ममः तीसरा। ओम इमं नाजा नावपां भग्नो समृद्धीकरणं मम तुभ्यं च सावनानं अगिंपयं गुं स्वाहा। इदं मगणै इदं ममः। पति ले लो हाथ से। चले दूसरा भावर का समय हुआ। देखिए कि गगन मंडल से दूसरे भावर में स्त्रियां क्या गाकर हमको सुनाती है। फिर चार पकड़ लो। बेटी आ जा आओ या जा बोलावे तो या जा नहीं बोले हो। बेटी आ जा आओ या जा बोलावे तो या जा नहीं बोले हो। या जा नहीं बोले तो या जा नहीं बोले हो। आ जा जू सारी भावरिया मैं घूम गई तो या वही तुम्हारी पोतनी। आ जा जू सारी भावरिया मैं घूम गई तो या वही तुम्हारी पोतनी।
हरिओम आरमणम देवः कन्यागौ अग्निमय श्रुतम सानो आरमणा देवः प्रेत्यो मुञ्चिमापते स्वाहा ए पत्ति ऊपर छोड़ो ओम इदम आरमणे इदम ममः दूसरा ओम इमं नार प्रवतो लाजानाव वंतिका आयुष्मानस्तु पतिरे धन्य ज्ञात हो मम फिर से स्वाहा इदम मगने इदम ममः तीसरा ओम इमं लाजा नावपाम पग्नो समृद्धि करणम मम तुभ्यं चासावनानं अगिंपयं गौ स्वाहा इदम मगने इदम ममः चले पति ले लो चले तीसरा भावरे देखिए कि अब देवताओं की स्त्री हमको क्या गाकर सुनाने का प्रयास कर रही है बेटी नानी औ नानी बोलावे तो नानी नहीं बोले हो बेटी नानी औ नानी बोलावे तो नानी नहीं बोले हो हरिओम भगाय नमः बोलो स्वाहा फिर से ओम तीनों जने एक ही छोड़ दो तीनों जने हरिओम तुम छोड़ दो ओम भगाय नमः स्वाहा छोड़ दो रान छोड़ दो तुम भी छोड़ दो रान छोड़ दो ओम भगाय नमः स्वाहा एक और हरिओम भगाय नमः सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है हरिओं चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो अजात श्रोत्रादे वायुष्या प्राणुष्या
मुखादग्नि रजायतः शिलारोहणम् अहम् करिष्यहे। हरि ओम् वक्रतुण्ड महाकाय कोट सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम् करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा कन्याराणीम् ओम् वागर्तविव संयुक्तौ वागर्ते प्रतीपतये जगत्पित्रो वन्दे पार्वती परमेश्वरी या कन्दे तुषारहार्धवला या शुभ्रानवृन्दता या वीणा वरदण्डमण्डिताकरा या श्वेतपद्मासनं कन्याराणी ॐ ब्रह्मा युक्तशङ्करप्रभुं त्रिविधर्वै सदा वन्दितां सामापातु सरस्वतीं भगवती निशेषः जाडयपः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बन्धौ गुरुपदपङ्कजकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचने रविकरे निकर नमो यस्तु तै विशाल विशाल बुद्धदै फुल्वारविन्दायते पत्रनेत्रः वन्दे मृगधरं वन्दे वन्दे सूर्यशङ्खकवि नयन वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्ते जनाश्रयम् चामर्दं वन्दे शिवशङ्करम्। पूजास्थाने अंतिम भाव और समाप्ति करो। विशेष रूप से जो सप्त सात साल भजन थे वो तो समाप्त हुआ और अब निकिता हार जोड़ लो और अवनीत को जो अपना सार भजन है वो सुनाने का प्रयास करो। हाथ जोड़ लिया राइट, अपन हाथ उसके दिल के ऊपर रखो। दिल का है और उसको बताओ कि देखो मेरा प्रथम वचन यह कहता है कि प्रथम यह है कि तीर्थ यात्रा व्रत आदि उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि आप मुझे साथ ही में लिए हुए स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। अपनी बोलो स्वीकारे। फिर से दूसरा वचन यह कहता है कि देवताओं के लिए हव्य दान है और पितरों के लिए कव्य दान आदि कर्मों में मुझे संग रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। बस बस भारे रखी जरा ना बोलो स्वीकार है। तीसरा वचन यहाँ कहता है कि यदि अपने कुटुंब और गौ आदि सभी पशुओं का यथोचित पालन पोषण करने मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। बोलो स्वीकार है। चौथा वचन यहाँ कहता है कि अन्न तथा धन आदि और जो कोई कुछ घर में आवे उन सब को संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना यदि ऐसा आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। बोलो स्वीकार है। पांचवा वचन यह कहता है कि यदि आप देवालय बाग तालाब कुपिया बावली आदि तैयार करवावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे साथ ही में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। बोलो फिर से स्वीकार है। छठा वचन निकिता का यह है अवनीत कि अपने देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने का प्रबंध करवावे तो उसमें मेरी भी सहायता आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हो जाऊंगी। और निकिता का जो सातवां वचन है हाथ जोड़ लो, हाथ हटाओ, हाथ जोड़ लो, बताओ कि ना सेवानिया यदि पार क्रिया तत्वा भवो देवानी कर्म अंधति वामंग मख्यामी तदा तद्दतम जगदात कन्या वचनम चा समाप्तम। सातवें में कन्या कहती है कि वर से वधु या प्रार्थना करती है कि अवनीत दूसरे पुरुष की स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो उसको कभी देखना मत तुम, किंतु उसका सेवन नहीं करना। यदि तुम ऐसा प्रतिज्ञा करते हो तो मैं तुम्हारे वाम भाग में आने के लिए स्वीकार हूँ। बोलो स्वीकार है। और नीचे का लोनी की किताब। और अब अवनीत का एक वचन, तुम अपन वचन सुनो हाथ जोड़ के। वर से वधु यह कहता है
कि सुनो प्रिय, मेरे चित के अनुसार तुम अपना भी चित रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन आदि पतिव्रता धर्म में परायण रहने का प्रयत्न करती हो तो मैं तुमको अपने वाम भाग में लेने के लिए विशेष रूप से स्वीकार हूँ। अर्जुन ने के देख के राइट स्वीकार नमस्कार कर लो। चले संगीत के माध्यम के द्वारा आज सिंदूरदान करने का हम प्रयास करें। कहवा के आए सिंदूरवा सिंदूरा भार सिंदूर हो, अरे कहवा के सुंदर कामनी तो सिंदूरा के मोल करे हो। सिंदूरा के मोल करे सिंदूरा के मोल करे हो, अरे कहवा के डिब्बा निकिता के दे और उसको बताओ उसको बताओ दीदी दीदी कि इसके संभाल के रखना कि छोटा सा डिब्बा में हम बंद है बिल्कुल। हमेशा मान भरना और घर से निकले से पहले थोड़ा सा लगा लेना तो लोग समझिए कि शीश तय करो दही दो उसके हाथ में देखे से हाथ बंद कर दो और बताओ कि डब्बा कभी ठंडी नहीं मांगी रहे बताओ उसको तुम डब्बा दे दो इसको है ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थं सार्थके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी कि भगवान सदा कल्याण करे वर वधु रहे सुख से दोनों या आशीर्वाद प्रभु प्रदान करे कन्या हो सदा सौभाग्यवती वर वधु में रहे सदा कुमती सुख वैभव प्रभु प्रदान करे हो चिरंजीवी सुख शैरवान गुणवान धनपति कीर्तिमान सुखमय प्राप्त संतान करे हो सफल मनोरथ सदा इनके होती रहे प्रभु कृपा इनपे जग में प्राप्त धन मान और शान करे करके प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं अवनीत और निकिता बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद ओम आशीर्वादम समर्पयामि। ऊंचा रोमन छोड़ दो बहुत ढेर चाहो थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसा ना जेठवा के हथवा घुमाओ लबर लबर छुए कलसा हमार लबर लबर छुए कलसा हमार भाग्यमस्तु।
ओम शुभम भवतु ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु। प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का आज सौभाग्य और आप दोनों खुशी खुशी से अपने ग्रस्त आश्रम को आगे बढ़ाते हैं। जाते जाते एक कवि ने खूब कहा है, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, हमारे लिए रिविजन भी है। अवनीत और निकिता, जाते जाते एक कवि ने कहा है, अवनीत आपके लिए खास करिया है, अ गुड मैन डज नॉट लव मिलियन गर्ल्स, ही लव्स वन गर्ल इन मिलियन वेज। तो आपके लिए है अवनीत, तो याद रखना, यू लव योर वाइफ इन मिलियन वेज, यू डोंट लव मिलियन गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। शिष्टाचार वो आभूषण है जो मनुष्य को आदर सम्मान, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बिना शिष्टाचार के मनुष्य के जीवन में काफी कुश्तम रह जाती है। ईश्वर द्वारा रचे गए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी सिर्फ मनुष्य है, और मनुष्य को ईश्वर ने ज्ञान दिया और बुद्धि दिया, जिसके सहायता से समय के साथ साथ जीवन में मनुष्य परिवर्तन करते आए हुए हैं। उसके जीवन में अमूल परिवर्तन आते हुए और इसी परिवर्तन में हमारे जीवन को बेहतर बनाया, और इसी बेहतरीन जीवन से हमें जीवन का जो आचरण है, विचार है, व्यवहार है और संस्कारों से भरने का अवसर भी दिया है, और इसी कारण शिष्टाचार हमारे प्राणियों के जीवन पर प्रधानता दी गई है। शिष्टाचार ही हम मनुष्य को समाज में मान सम्मान संस्कारों के प्रति अच्छे प्रभाव अपनाने की शक्ति देती है। शिष्टाचार हमारे घरों से शुरू होती है और आपसी परिवार के अंतर्गत हम जिस स्वभाव से और जिस आचरण से आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह के आचरण का आदर डालते हैं, उसी तरह सम्मान हमारे आचरण और समाज में उसी तरह आचरण का असर पड़ती है। मतलब घर की जो माहौल होती है आचरण को कभी कमजोर कर सकती है और वहीं पर मजबूत भी कर सकती है। हर सुबह जब हम अपने घर से कहीं पर निकलते हैं तो सबसे पहला संपर्क हमारे परिवारजनों से होती है, और उसके बाद में हम फिर जाकर जो समाज है उसके साथ में अपना आदान प्रदान करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी कोई भी किसी भी तरह से दान इत्यादि किया हो, कोई किसी भी तरह से मदद किया हो, और हमारे जो भंडारी हैं पिताश्री, उनको मैं धन्यवाद दूंगा प्रवीण से, बहुत ही सुंदर भोजन उन्होंने बनाया, और शायद मैं किसी को भूल गया हूँ धन्यवाद देने के लिए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना और धन्यवाद जो है उसको आप स्वीकार करना। खुश है दुल्हा, खुश है दुल्हन, नया है रिश्ता, नया है जीवन, करते हैं हम सभी कामना, शादी करके सुखी हो जीवन।
Yeah.
Thank you.
मैनू